सबसे पहली बात तो वाकई दादा ने सही कहा, इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही मेलोडियस है। ये गाना अभी आपने दो लाइन सुनाई, एक तो हटके लाइन है, आज की लाइन है, और मेलोडियस है। जोरदार तालियां अभी के लिए। थैंक यू। और दूसरा, पागल कर दिया तूने, ये टाइटल है, ये सुपर हिट है। एंसेंबल कास्ट है, हम सभी लोग एक एक अलग किरदार निभा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, डायलॉग्स एकदम बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसे डायलॉग कहने का मौका मिला है। एंड इट्स ए इंटरेस्टिंग फिल्म, जैसे आप देख रहे हो, हम जुबैर के साथ पहली पिक्चर कर रही हूँ, सो इवन ही इज इन इट, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड एंड वी आर हियर फॉर यू हियर टू सेलिब्रेट। देखिए, खास तो जो जो स्क्रिप्ट आती है, जो खास लगती है, जिसमें हमें कास्ट करने का मौका मिलता है, तब करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ एनसेंबल कास्ट, सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट दिस फिल्म। बहुत दिनों बाद मुंबई में पूरी शूटिंग की है, सो विच इज़ बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वी ऑल हैड फन, एंड ऐसी कोई खास यादें नहीं बोल सकते, बिकॉज वी ऑल हैड फन ऑल द टाइम। या
हमने बहुत फटाफट शूट किया, इतना मैं कह सकती हूँ. वेरी फास्ट शूटिंग, लाइक टुडेज पिक्चर है, पहले हम 60-60 दिन शूट करते थे. वी शॉट इन वेरी क्विक, लाइक इट वाज अ फास्ट फिल्म. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का कास्ट के साथ? न्यू कमर, हम भी कभी न्यू कमर रह चुके हैं तो आई अंडरस्टैंड. बट यस, जुबैर इज नॉट ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, हिज डन टीवी. उनको तो डायलॉग में कुछ प्रॉब्लम आते ही नहीं है. सो आई थिंक वी हैड फन एंड यू शुड आस्क द न्यू कमर्स हाउ दे, इफ वी वर गुड इनफ, हाउ दे हैव फेल्ट एक्चुअली वर्किंग विद. हां यस. देखिए, एज पर द लास्ट इंटरव्यू आई सेड ऑल्सो अबाउट दिस थिंग दैट द लेडी हु इज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड मी इज वेरी कोऑपरेटिव. एंड मुझे लगा ही नहीं कि कहीं भी मैंने इनकी फिल्में स्टार्टिंग में देखी थी. और नो आई एम यंग ओनली, यू आर यंग ओनली, सो दैट नॉट दैट थिंग. बट ऑन सेट वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी सपोर्टिंग. मुझे इतने कम लोगों के साथ मौका मिलता है जहाँ मुझे एक्शन रिएक्शन मिलता है और इतना सपोर्ट मिलता है. तो एज पर द टीवी या और कोई फिल्म जो कर रखी है मैंने, उससे कहीं ना कहीं आपका अपना फील होता है, अपना बना. और अगर देयर इज अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट वाइल शूटिंग तो 110% वी फील के यार वी आर मेकिंग फैमिली, वी आर नॉट मेकिंग फिल्म. देखिए, बिग बॉस 12 की का तो पता नहीं, बट बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के साथ फिल्म कर रहा हूँ मैं, जिसकी 12 से कोई उम्मीद नहीं है. बट हाँ, बट बहुत झगड़े करते हैं लोग, मुझे झगड़े देखना बिल्कुल पसंद नहीं है. सो सॉरी, मैंने बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. देखना ही नहीं पसंद करते, बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो जाएंगे. देखना ही नहीं, लाइक बात ही नहीं होती. अच्छा, कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप क्योंकि आप रह के आए हुए वहाँ पे बिग बॉस में? मैं बिग बॉस में नहीं रह के, आप कंफ्यूज हो गए शायद. जुबैर खान को एक प्रोड्यूसर है, मैं जुबैर के माइट बी बिकॉज ऑफ दैट. आजकल बॉस में ऐसे लोग आ रहे हैं किसी को याद ही नहीं है कौन है. वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स, और जैसे आपने हमेशा आपका प्यार हमें दिया है, इस बार भी देखिए. दैट्स ऑल आई कैन से. थैंक यू. बात करता हूं, मतलब एक्शन भी करेगा, फनी स्टाइल होगा और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर बींग ले. एंड इसमें बोल्ड सीन्स कुछ नहीं होता है, सीन्स पिक्चर की डिमांड होते हैं. जैसी पिक्चर की स्टोरी है उस तरह के से थोड़े से सीन्स होते हैं, और इतना कुछ ज़्यादा बोल्ड सीन्स नहीं है. फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, आप लोग आराम से जाके फैमिली के साथ देख सकते हैं इस फिल्म को. फिल्म के शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा सीन जो आपकी यादें हमेशा की यादें बन गई? फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी थी. इनफैक्ट हमारे प्रोड्यूसर जी बहुत अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, सभी कास्ट, एवरीबडी वाज वेरी नाइस. और यादें वही छोटी छोटी थी. कई बार स्टंट्स मुझे बहुत सारे करने थे इस फिल्म में, तो स्टंट्स करते करते बहुत बार मुझे चोट लग जाती थी, और कुछ फनी यादें थी, इतना कुछ खास. स्टंट जो फाइट किया उसके लिए कुछ खास आपने तैयारी की थी? एक्चुअली मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करी थी, और वैसे मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ, ट्रेनर नहीं मतलब स्टूडेंट हूँ. उसके बाद मेरे को फ्रैक्चर हो गया था मेरे पैर में, बस उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज इट वॉज वेरी गुड, ऑल वॉज वेरी नाइस. थैंक यू सर. आपको कितना सहयोग होगा कि फिल्म आपकी
यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट. और सबसे पहली बात है क्योंकि फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है और हर फिल्म का अपना एक USP होता है. इस फिल्म का USP म्यूज़िक है, तो हमने यही आइडिया प्लान किया था कि एक ईरानियन कॉन्सर्ट किया जाए और उसके ज़रिए इस फिल्म को प्लेटफॉर्म दिया जाए. और इस प्लेटफॉर्म का जो फ़ायदा मिला हमें, लोगों ने इन्जॉय किया म्यूज़िक को, और म्यूज़िक के ऊपर फिर के जब उनको वो परफॉर्मेंस के बाद में हमने अपना चीज दिखाया तो वही रिएक्शन था, वो रिएक्शन हमें देखना था. तो इस फिल्म को म्यूज़िक के ज़रिए हम प्रमोट करेंगे डेफिनेटली. तो इस ट्रेलर को और भी खास बना दिया जब ईरानी लोगों के यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ, तो ये किसका आइडिया था? ये डेफिनेटली मेरा आइडिया था. जब मुझे ऐसा लगा ये फिल्म मेरे पास आई तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं जिसके लिए अट्रैक्शन हो म्यूज़िक के इस ट्रेलर लॉन्च के लिए. तो हमने वसीम भाई के साथ बात की कि यार इस तरीके का प्रोग्राम है, तो उन्हें आइडिया पसंद आई, फिर हमने ये प्लान किया कि आज कॉन्सर्ट के ज़रिए इसका लॉन्च किया जाए. तो ट्रेलर क्या खास लगी आपको, ट्रेलर में कितनी खास बातें? देखिए फ्रैंकली मैं कहता हूँ कि अनप्रिपेयर्ड ट्रेलर था. हम ट्रेलर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाए जितना हम इस इवेंट पर, क्योंकि ये लोग ईरानियंस यहाँ आ गए थे, हिंदुस्तान आ गए थे, तो हमने ये सोचा कि जितनी भी जल्दबाजी में इसको पहले प्लान किया जाए, लोगों को ये टच दिया जाए कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सर्ट के ज़रिए लोगों को दिखाना चाहते थे कि ये ऐसी फिल्म है पागल कर दिया तूने जिसके ज़रिए हम मार्केट में आ रहे हैं. तो ये ईरानी जो थे वो ट्रेलर के टाइम भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, उनका एक अलग इम्प्रेशन देखने को मिला था, तो आपसे जो उनकी कुछ बात है उन्होंने कुछ बताया? मैंने ईरान के साथ में दो फिल्में की है. मैं इससे पहले दिया मिर्जा के साथ में सलाम मुंबई किया हूँ, ईरानियन प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हूँ. तो दे लव बॉलीवुड मूवीज, दे लव स्पेशल म्यूज़िक के लिए वो पागल है. तो इस फिल्म के लिए हमने पूरा प्लान करके आए थे कि हम म्यूज़िक के ज़रिए उनको जो दीवानगी थी वो इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए थी. थैंक यू. मेरा नाम गिरीश सोलंकी, राज्य गिरीश जी क्या कहना चाहेंगे, पागल कर दिया तो उन्हें फिल्म के स्क्रिप्ट में ऐसी क्या खास बात लगी कि आपने उसे प्रोड्यूस किया आपने इस फिल्म को? अच्छा, अभी स्क्रिप्ट अच्छी है, स्टोरी भी मेरे को अच्छी लगी. फिर मेरे को लगा कि इसमें अलग अलग टाइप का सब क्लू, इसीलिए मेरे को स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने उसको प्रोड्यूस करने का सोचा. तो इसमें जो सभी स्टार कास्ट है मुग्धा और सभी जो नए फेस भी है, तो इनके एक्ट को कितना कितनी खुश है इनकी परफॉर्मेंस से? सब लोगों का, मेरा टेक्निकल स्टाफ से लेके अभी ये जो नए ये जो सब एक्टर्स है वो सबका बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. हाय, दिस इज मुग्धा गौड़ से, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की बातें. और आपने किस तरह से सोच के साथ इस कहानी पिक्चर का जो टाइटल है पागल कर दिया तूने, वही कहानी को जस्टिफाई करता है. कहानी यह है कि आप प्यार करो लेकिन पागलपन की हद तक प्यार मत करो, फिर आप गुनाह का जोन में जाने वाले हो. सो लव विद इन योर लिमिटेशन, डोंट क्रॉस द लिमिटेशन, देन यू एनक्रोचिंग ऑन क्राइम. मेन बात यही है. इसके लिए प्यार करना बुरी बात है, लेकिन अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है आप पीछे हट जाओ. लेकिन अब जुनून कर लोगे उसमें यू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ. ये एक मैसेज है. और दूसरा मैसेज है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मर्डर. मर्डर जब आदमी करता है किसी का भी, बड़ा प्लानिंग करके करता है, लेकिन कहीं ना तो कहीं जाके एक ना तो एक क्लू पीछे रह ही जाता है. सो ऑल क्राइम मर्डर इज बेसिकली इम्परफेक्ट, नॉट परफेक्ट. ये हमारा दो चीज़ पिक्चर में है. कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जुबैर इज़ अ वेरी सीजनड एक्टर. उसके एक सीरियल भी चल रहा था, कलर में आ रहा था. मेरे साथ पहले भी एक फिल्म में काम किया, अब जो रिलीज़ होने वाला है रहम दिल कातिल अपोजिट मुग्धा. तो ही इज़ अ गुड एक्टर, नॉट एग्जैक्टली न्यू. और दूसरा जो है कबीर, ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं. देवानंद का एक फिल्म में भी काम किया था जब नए नए आया था. सो एक्टिंग एवरीबडी इज़ गुड, आई मीन आई हैड नो इश्यू विद एक्टिंग. प्लस मेरा एक आदत है शूटिंग से पहले वर्कशॉप में लेता हूँ 8-10 दिन मेरे ऑफिस पे. आई मीन आई हैड नो इश्यू अबाउट दैट. बहुत सारी हर फ्राइडे फिल्में आती हैं, लेकिन इस फिल्म में क्या खास होगी जो पब्लिक को थिएटर तक खींच कर लाएगी? मेन है फिल्म की म्यूजिक. इट हैज़ गॉट वेरी गुड म्यूजिक. आई एम नॉट सेइंग, मेरा फैमिली में ट्रेडिशन है, मेरे फादर ने भी जितने फिल्म बनाए हाफ टिकट, अदालत, भीगी रात, हम मेलोडी पे बहुत ध्यान देते हैं. वेरी गुड म्यूजिक इज द USP ऑफ द पिक्चर एंड द स्टोरी इज डिफरेंट. द पब्लिक को 2 घंटा 15 मिनट पकड़ के रखेगा, ये नहीं चल ही रहा है एंड वेरी कॉन्टेम्पोररी.